कोरोना वायरस महामारी के कारण से सब लमसम सभी स्टूडेंट का पढ़ाई बाधित हुआ। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें सभी स्टूडेंट को फ्री में लैपटॉप और मोबाइल देने का अनुमति दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से लमसम सभी स्टूडेंट को पढ़ाई बाधित हुआ है। और ऐसे में देश से बताया गया है कि छात्रों को मिल सकता है लैपटॉप और टैब, यानी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को लैपटॉप और टैब देने का अनुमति केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। तो आखिर इस योजना को लाभ किन किन स्टूडेंट को मिलेगा और जो स्टूडेंट को मिलेगा तो उसे क्या क्या प्रोसेस करना होगा जिसे इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। .NET बच्चे, आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं या प्रॉब्लम हो रहा है तो उस क्वेश्चन को फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए 5 वीडियो सॉल्यूशन 5 सेकंड के अंदर। साथ ही साथ वो क्वेश्चन चाहे आपको होमवर्क का हो या CBSE या UP महाराष्ट्र या राजस्थान किसी भी अनदर बोर्ड का हो, साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के एडवांस जे मेंस लेवल तक के सभी क्वेश्चन का सोल्व मिलेगा। चाहे विषय प्रॉब्लम आप लोग को फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, बायो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी क्वेश्चन को मिलेगा सोल्व। साथ ही साथ क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक अभी चल रहा है लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो 3 करोड़ से अधिक बच्चे ने इस ऐप को डाउनलोड किया, आप ही ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो देख सकते हैं, बताया गया कोरोना के चलते घरों में रहकर पढ़ने को मजबूर स्कूली छात्र केंद्र सरकार से आने वाली आम बजट में कुछ बड़ा तोहफा दे सकती है। फिलहाल में इसकी जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन, टैब और लैपटॉप, टेलीविजन जैसे उपकरणों की सुविधा दिया जाए। यानी देखा जाए तो कोरोना वायरस महामारी में लमसम सभी स्टूडेंट का स्कूल और कॉलेज बंद हुआ, जिनके कारण से सभी स्टूडेंट का पढ़ाई बाधित हुआ है। और साथ ही साथ ऑनलाइन एक ही एक जरिया रहा जिनसे स्टूडेंट ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई करने में सक्षम हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास न तो लैपटॉप था और न ही मोबाइल स्मार्टफोन था, जिनके वजह से उनका लमसम पूरी तरह से पढ़ाई बाधित हुआ। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा ये फैसला लिया गया है, जिसमें सभी स्टूडेंट को ये आप लोग को लैपटॉप और मोबाइल देने का, टेलीविजन की सुविधा देने की अनुमति दिया गया है। तो आखिर इसका प्रोसेस क्या है? देख सकते हैं, बताया गया है कि मुहाने की कराई जा सकती है। सरकार ने ध्यान ऑनलाइन पढ़ाई पर केंद्रित है। 1ली से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए सरकार ने पहले ही 12 नए TV चैनल को लॉन्च कर घोषणा कर चुकी है। यानी 12 ऐसे नए चैनल है जिनको घोषणा कर दिया गया है, जो 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ाई कंटिन्यू ऑनलाइन करे, ऑनलाइन के जरिए से वो कर सके। टीवी चैनल को भी आप लोग को बना दिया गया, जिस पर ओनली फॉर आप लोग को पढ़ाई से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को और पूरी कंटिन्यू आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करने का अनुमति दिया गया है। साथ ही साथ देख सकते हैं, बताया गया है कि जिसकी तैयारी तेजी से चल रही है, यानी जो इस योजना को है आप लोग को तैयारी बहुत ही तेजी से चल रही है। स्कूल बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप फिर टेलीविजन जैसे उपकरणों को मुहाना कराने के लिए विकल्प सरकार इसलिए गंभीर है क्योंकि हाल ही में आई रिपोर्ट स्पष्ट हो गई है कि अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है कि अभी भी 38% से अधिक छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ने के लिए कोई साधन नहीं है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट जो निकल कर आई है, जिसमें अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो लमसम 38% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ना तो लैपटॉप है, ना ही मोबाइल है और ना ही उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई करने की कोई जरिया है, जिनके वजह से वैसे स्टूडेंट को पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रहा है। वैसे में केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जिन स्टूडेंट का पास ना तो मोबाइल है और ना ही लैपटॉप है, उन सभी स्टूडेंट को लैपटॉप देने का अनुमति दिया गया है, जिनमें आप लोग को इस योजना को आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और साथ ही साथ उसमें आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जिसके तहत से आप लोग को उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और इसके बाद आप लोग को एड्रेस मांगा जाएगा, उसी एड्रेस पर आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपका घर होगा उसी एड्रेस पर आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। इसमें आप लोग को आय प्रमाण पत्र लगेगा और साथ ही साथ आप लोग को आधार कार्ड और इसी रिलेटेड कुछ आप लोग को डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, ताकि आप लोग को पता चल सके किस बैकग्राउंड से आप लोग को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से आप लोग को देखने के बाद आप लोग को ये लैपटॉप देने की अनुमति आप लोग को दिया जाएगा और इसका ऑनलाइन जैसे ही होना स्टार्ट होता है तो उस पर आप लोग को स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।